हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको मैं बता दूं, थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया था, हो ही गया होगा कि टिकटॉक बैन होगी ऑफिशली पाकिस्तान में। पीटीए ने बैन कर दिया ऑफिशली। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को बता दूँ, गाइड कर दूँ। तो जिसको ये अच्छी खबर लगी है ना, वो कमेंट करें और एक लाइक कर दें। जिसको मतलब कि अच्छा लगा कि टिकटॉक बैन हो गया पाकिस्तान में, तो मेरे लिए तो ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा कि ये फैसला पीटीए का कि बैन कर दिया टिकटॉक, बहुत ही अच्छा हुआ। क्योंकि टिकटॉक पे जो अब चल रहा था, जो सीन, जो बेहयाई चल रही थी, आप एग्री करते ना मेरी बात से कि अब बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल रही थी टिकटॉक से, तो वो तो ख़त्म होगी ना एक दफ़ा। और फिर आपस में लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे, कोई कहता शहर हो गए, कोई पिंडी, कोई लाहौर, एक दूसरे को गाली देते, झगड़े करते, ये भी सब ख़त्म हुआ सीन। और फिरका वारियत पे बड़ी वीडियोस बन रही थी आपस में, कोई अपने फिरके के बारे में बात कर रहा, कोई उसको ताने दे रहा, कोई उसको ताने दे रहा, तो ये सीन था तकरीबन सारा। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक हुआ है, पीटीए ने बिल्कुल ठीक है टिकटॉक बैन करके। तो अगर आपको कैसा लगा टिकटॉक बैन हुई है ये न्यूज़ सुनकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे लिए किसी बड़ी खुशी की बात है कि यार देखें, इतनी बेहयाई फैल चुकी है टिकटॉक पे जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है ना। आज हर जो बुरा काम है वो टिकटॉक पे हो रहा है। तो एक तो ये बिल्कुल ठीक है ना हुकूमत ने कि इसे बैन कर दिया पाकिस्तान में, चलो कुछ तो बेहयाई कम होगी जो इस एप्लीकेशन की वजह से फैल रही थी। और जो यंग जनरेशन थी उसमें एक बड़ा क्रेज़ था, जुनून था टिकटॉक का, और पता नहीं वो क्या क्या कर रही थी बस। तो मैंने ये आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़, कमेंट से ज़रूर करिएगा कि आपकी राय में क्या बंद नहीं होनी चाहिए थी या बंद होनी चाहिए थी, तो अपनी राय ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर कि टिकटॉक बैन हो चुकी है ऑफिशियली, अभी ये ऑन नहीं होगी। और हाँ एक बात और, जो लोग इसे ऑन करेंगे, बहुत से लोग होते हैं कि जो ऑन कर लेती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो वो भैया आईडी बंद होगी। तो बेहतर है कि करे ही ना, उन लोगों की आईडी भी बंद हो जाएगी, बेहतर है कि करे ही ना, इस बेहयाई से दूर ही रहे। तो बहुत ही मैं तो खुश हूँ कि तकरीबन जो इतनी बेहयाई फैल रही थी टिकटॉक से, बहुत ख़त्म हुई अभी। तो अल्लाह करे ये फैसले पे कायम ही रहे, ये टिकटॉक बैन ही रहे, ठीक हो गया। तो ढेर सारी दुआओं में याद रखी गया, और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।